हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो वी आर स्टडिंग नाउ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है? तो इंडेक्स नंबर से ना हम लोग लेवल चेक करते हैं कि अपना जो इंडिया का ग्राफ है, अपना डेवलपमेंट, ग्रोथ, स्टॉक मार्केट, एक लेवल पास्ट से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि कहाँ जा सकते हैं, सिग्नल मिलता है, राइट। तो मैंने इजी लैंग्वेज में तुमको एक्सप्लेन कराने की कोशिश किया। लेट स्टार्ट। मोबाइल रखो, ओके। तो व्हाट इज इंडेक्स नंबर? तो इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस। इंडेक्स नंबर क्या? एक टूल है टू मेजर द चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल, मतलब हमारे इकोनॉमिक में कितना चेंज हुआ वो बताता है। तो जैसे एक टाइम है सेंसेक्स, निफ्टी, जैसे स्टॉक मार्केट, जब स्टार्टिंग में सेंसेक्स कितना था? 2000 था, हर्षद मेहता के टाइम 2300 था, और आज सेंसेक्स 60,000 प्लस है। कितना? 60,000 प्लस, अगर आज का डेट। तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, राइट। तो उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू चेक करना। तो इंडेक्स नंबर क्या डिवाइस है? जो इकोनॉमिक में अपना देश का आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कैसे अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसको चेक करना। महंगाई कम हो गई, बढ़ गई, उसको चेक करना। पॉपुलेशन कम हो गया, कितना कॉस्ट हो गया, रहन सहन बढ़ गया। तो ये स्टडी को क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या है फीचर्स? फर्स्ट क्या है, इट इज स्टैटिस्टिकल डिवाइस। ये मैक्स है, क्या ये कैलकुलेशन होता है, हिसाब किताब लगाया जाता है, प्लस माइनस होता है। इट इज क्वांटिटेटिव, क्या है? क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव, ओके। और एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। इंडेक्स नंबर को हमेशा किस में लिखा जाता है? परसेंटेज में। जो फीचर्स है ना ये वाला, मैंने ओन वर्ड्स में लिख दिया बच्चे लोग, तो तुमको थोड़ा इजी लगेगा, ओके। इट इज एंड स्टैटिस्टिकल डिवाइस, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेजेस, एंड इट अगर जो जो इंडेक्स नंबर में सिंगल वेरिएबल होता है उसको यूनिवेरिएट इंडेक्स बोलते हैं, और जिसमें ग्रुप होता है ज़्यादा होता है एक से, उसको कंपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट। तो ये ब्लैंक्स में आ सकता है, राइट। तो जो करंट ईयर को अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, और जो पिछला साल है पास्ट ईयर, उसको बेस ईयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस ईयर। और बेस ईयर का साइन जीरो होता है, और करंट ईयर का साइन वन होता है। बेस ईयर का साइन जीरो। अब बेस ईयर का क्या एज्यूम करते हैं? 100। क्या एज्यूम करते हैं? 100। तो व्हाट इज बेसिकली इंडेक्स नंबर? इट इज ए बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बैरोमीटर मतलब जिसको जिसमें से इकोनॉमी को नापा जाता है, भापा जाता है कि इकोनॉमी कैसे चल रहा है, स्लो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बूम है या डिप्रेशन है या रिसेशन है। तो इट इज ए बैरोमीटर। जैसे थर्मामीटर होता है बुखार नापने का, कम ज़्यादा, वैसे बैरोमीटर है अपना इकोनॉमिक कंडीशन देखने का। तो ये हो गया तुम्हारा फीचर्स। क्या हो गया? फीचर्स। इट इज एन इंडेक्स नंबर, हम लोग ने स्टडी किया। और इंडेक्स नंबर कहाँ काम आता है? सिग्निफिकेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसका? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंडेक्स नंबर स्टडी करने से क्या मालूम पड़ता है? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर द गवर्नमेंट फ्रेम द पॉलिसी, गवर्नमेंट कानून बनाता है, रूल्स बनाता है। तो गवर्नमेंट स्टडी करता है ना इंडेक्स नंबर को, कंट्री का कंडीशन चेक करता है। स्टडीज द ट्रेंड। ट्रेंड मतलब ये मालूम पड़ता है कि अभी ट्रेंड ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो सब अच्छा होगा, नीचे जाएगा तो सब बुरा होता है। तो ट्रेंड मालूम पड़ता है। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इकोनॉमी। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर, फोरकास्टिंग मतलब भविष्य। तो अपना फ्यूचर का इकोनॉमी कैसे रहेगा, अच्छा रहेगा या बेटर रहेगा, कितना बढ़ सकता है, इंडेक्स नंबर की स्टडी से मालूम पड़ता है। इन्फ्लेशन महंगाई मेजरमेंट, इन्फ्लेशन महंगाई कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कितना लेवल बढ़ गया, महंगाई को नापा जाता है इंडेक्स नंबर के थ्रू। और इट हेल्प्स टू नो कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडेक्स नंबर के थ्रू हमको मालूम पड़ता है हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, विकास कितना बड़ा हो गया या छोटा ही है विकास अभी भी। तो ये सब किसकी स्टडी से मालूम पड़ता है? इंडेक्स नंबर से, राइट। तो इंडेक्स नंबर में अभी आपको कैसे बच्चे लोग सम्स आएंगे? क्या आएंगे? सम्स। एक होता है एक आएगा प्राइस इंडेक्स नंबर, एक आएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्या आएगा? एक क्वांटिटी। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, ओके। ये फॉर्म जो जैसे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन रहेगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन रहेगा आपको ना, सिंपल। तो ए बी सी डी दिया रहेगा, 2010 से 2015। तो जो 2010 है उसको बेस ईयर लेना है। क्या लेना है? बेस ईयर पुराना। और जो 2015 उसको करंट ईयर लेना है। तो इसको भी पी दूंगा, इसको भी पी दूंगा, पर इधर जीरो डालूंगा इसको वन, क्योंकि पुराने वाले को जीरो दे दे, नए वाले को वन। तो इसका टोटल ले लिया तो 220 आ गया, इसका टोटल लिया तो 300 आ गया। फिर फॉर्मूला क्या प्राइस इंडेक्स का? करंट प्राइस अपन बेस ईयर प्राइस। बोलो, करंट मतलब कौन सा? जो नया है, 2015 नया है ना, तो ये 300 ऊपर आएगा। और बेस ईयर कौन सा है? पुराना। 220 कितना रहेगा? नीचे। इंटू क्या करेंगे? 100। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर रहेगा ये तुम्हारा प्राइस इंडेक्स रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारा? प्राइस इंडेक्स। सिंपल। तो सेम एक होता है क्वांटिटी इंडेक्स। क्या होता है? तो क्वांटिटी इंडेक्स में आपको क्या दिया रहेगा? ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, टेबल 2000 दिया, 2001 दिया है ना। तो जो 2001 है और जो पुराना है उसको बेस ईयर मानेंगे, नए वाले को करंट ईयर। और क्वांटिटी इसके दोनों जगह क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोनों जगह? क्यू। कौन सा वाला क्यू? क्वांटिटी मतलब क्यों, हिंदी वाला क्यों नहीं, ओके। तो क्वांटिटी जो करंट ईयर वन देंगे, बेस ईयर को क्या देंगे? जीरो।
इसका भी टोटल लेंगे और इसका भी। तो फॉर्मूला क्या है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। तो करंट ईयर का क्वांटिटी कितना है 280, वो ऊपर आएगा, और बेस ईयर का क्वांटिटी कितना है 210, वो किधर आएगा नीचे, इंटू क्या करेंगे 100। तो सॉल्व करके ये आंसर आएगा, ये हो गया तुम्हारा क्वांटिटी इंडेक्स। क्या हो गया ये, तो ये जो होता है सिंपल इंडेक्स है, क्या ये सिंपल, एक होता है वेटेड एवरेज, क्या होता है वेटेड इंडेक्स। तो वेटेड इंडेक्स में अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग स्टडी किया, इन दिस मेथड मतलब उसमें कॉमोडिटी प्राइस दोनों का देखा जाता है। तो एक लास्ट पेस है, क्या है लास्ट पेस, एक है पास्ट चेस, क्या है पास्ट चेस। तो इसका सब मैंने अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में चेक करें ना, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लास्ट पेस और पास्ट चेस, लास्ट पेस और आएगा तो एग्जाम में चार मार्क लगेगा, या फिर इसके ऊपर पैराग्राफ आ जाएगा एग्जाम में, क्या आ जाएगा इसके ऊपर पैराग्राफ, तो सब सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला डी वाला आएगा ना यार, फर्स्ट का डी, और क्वांटिटी है तो क्वांटिटी का क्यू वाला लेंगे राइट, और लास्ट पेस का फॉर्मूला क्या है पी वन अपॉन पी जीरो और क्यू जीरो आएगा ना, ये लास्ट पेस का फॉर्मूला है, और पास्ट चेस का क्यू वन मतलब ये वाला हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में किधर भी आएगा राइट, और क्या एग्जाम में आ सकते हैं इसमें से पैराग्राफ आएगा क्वेश्चन आएगा ना। तो प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन नापता है, याद करने का ना तुमको ठीक है, वेटेड एवरेज इंडेक्स, बेस ईयर को पी जीरो बोलते हैं, करंट ईयर को क्या बोलते हैं पी वन है ना, लास्ट प्रेस पास्ट ईयर होता है, लास्ट प्रेस क्या होता है पास्ट, पास्ट ईयर करंट ईयर होता है, क्या होता है ग्रुप ऑफ कॉम्पोजिट को ग्रुप बोलते हैं, सिंगल वेरिएबल को यूनिवेरिएट बोलते हैं ना, लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था राइट मैंने। अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में इंडेक्स नंबर मेजर चेंज, तो इसमें फीचर एक्सप्लेन करा देना, क्या एक्सप्लेन करा देना फीचर्स, ये वाला जो फीचर्स है ना मैंने बताया ना, वो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिखना चालू कर दे राइट। और ये जो सम है ना लास्ट फेज पास्ट फेज, ये टाइप का सम मैंने सॉल्व कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, तुमको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ठीक है। और बस इतना ही बोलने का था, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर लव केयर और अवर मदर, माँ की खिदमत करो प्यार करो, क्योंकि इनके कदमों के नीचे जन्नत होती है, थॉट लिखा था राइट। तो यू हैव टू स्टडी माय डियर स्टूडेंट, ओके थैंक यू।